ओके सो यू हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन बेटे. एनीवन हैविंग एनी डाउट? सो वी विल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. You are given commodities. You are given the prices in current year as well as in base year. ठीक है, मैं base year के prices लिख रही हूं पहले. Note it down. Then you are given current year prices to be these. हमें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स निकालना है. हमारे पास P1 है, हमारे पास P0 है. फर्स्टली वी विल फाइंड आउट R. व्हाट इज R? P1 ओवर P0 इनटू 100. सो दिस इज P1, दिस इज P0. बेटे मैंने पहले भी बोला, आप खुद करेंगे कैलकुलेशंस, मैं सिर्फ लिखूंगी यहां पर. आप मेरे को आंसर बताएंगे. यस मैम, प्राइस वन का जो लास्ट नोट 20 के बाद का लिखा है आपने, प्राइस वन में 28 के बाद, ये मैम 20 के बाद नीचे, 20 के नीचे 90 प्राइसेस ऑफ लास्ट फर्स्ट 9. ओके मैम. So I will not be solving it. आप खुद मेरे को बताएंगे. So those students who are not joining the classes, बेटे आपकी attendance short हो रही है, ठीक है? So these will have repercussions on your assignment internal. जो हमने आपकी internal देनी है, उसके ऊपर repercussions होंगी आपकी फिर. Of course, we won't be giving marks to the students who are being so irregular in the class. Nalin is also not there in the class. Okay, those who have calculated, give me the answer. 50 over 14, 200. Yes, 125. Okay. Ma'am, again 125. And ji? Ma'am, again 125. Kya hai ye? 125. Ma'am, R5. Theek hai. This is, what is 115 over 12.5 into 100? 120 मेगा, राइट? ये डबल है ऑब्वियसली, 200 ये थ्री टाइम्स है, सो ऑब्वियसली 300, राइट? ओके, अब क्या करेंगे इसका? टोटल ले लेते हैं. 200 नंबर टी इनटू 100 300 500 500 600 600. ठीक है, इट इज 870, राइट? ओके, सो लेट्स कैलकुलेट P01, दैट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, समेशन आर ओवर एन 870 over 5, so comes out to be
हाँ जी, आंसर एनीवन? ओके यस मेघा, 174. What does it imply? That there has been 74% increase in prices in current year as compared to the base year. ठीक है, 74% prices जो है वो बढ़ गए हैं. ठीक है, हमें प्राइसेस में कितना चेंज आया ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने वर्कर्स को सैलरी उसी हिसाब से बढ़ाती है जिस रेट पे इन्फ्लेशन बढ़ती है. ठीक है, क्योंकि अगर हम सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो जो चीज पहले 100 की आती थी अब वो 174 की आ रही है, तो उनकी रियल वेजेस कम हो जाएंगी. इसीलिए रियल वेजेस को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट उनको टाइम टू टाइम एक अलायंस देती है. ठीक है, जिससे जो कि उनकी महंगाई को कंपनसेट करता है, उसको हम कहते हैं डियरनेस अलायंस, महंगाई भत्ता. ठीक है, सो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं डीए? दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर्स. मैंने कहा था ना आपको कि इंडेक्स नंबर, कहा था मैंने आपको कि इंडेक्स नंबर जो है दैट इज रियली एन इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल डिवाइस. ये गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ठीक है, सो अभी आई होप सिंपल इंडेक्स नंबर्स आर क्लियर टू यू. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. हां जी पूरव, आप कल नहीं आए थे क्लास में? पूरव मैम आया था. ओके, आप कर रहे हो क्वेश्चंस कर रहे हो? यस मैम. पक्का? आई डोंट थिंक सो. अब हम आते हैं बेटे वेटेड इंडेक्स नंबर्स. सो वेटेड इंडेक्स नंबर्स हमने पहले ही डिस्कस किया, ये वो इंडेक्स नंबर हैं बेटे जिसमें हम डिफरेंट कमोडिटीज को अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस वेट्स असाइन करते हैं. ठीक है, सो दीज कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज, वन वेटेड एग्रीगेटिव एंड अनदर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. तो सबसे पहले हम करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव. अब सिंपल एग्रीगेटिव में हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, लेकिन वेटेड एग्रीगेटिव में डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन ने डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए हैं अकॉर्डिंग टू द वेट्स, क्योंकि हर स्टैटिस्टिशियन का ओपिनियन डिफर कर रहा है कि हमें वेट्स किसको असाइन करने चाहिए. ठीक है, तो जनरली सब स्टैटिस्टिशियंस इस पे अग्री करते हैं कि हम जिस कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं उसको वेट मान लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथ में 5 kg वीट कंज्यूम करते हैं, 1 kg राइस कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आप वीट को वेट दे दो 5, राइस को वेट दे दो 1. ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी कंज्यूम्ड आप उसको वेट असाइन कर दीजिए. इट इज फेयर, इजंट इट? अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आपका इंग्लिश का एग्जाम 50 मार्क्स का है और आपका अकाउंटेंसी का 100 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स का 75 मार्क्स का है, तो इसका मतलब तीनों की वेटेज उसके अकॉर्डिंग दे दो, एक की 50, एक की 75, एक की 100. ठीक है, तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है? कैन यू फोरसी एनी प्रॉब्लम हेयर? जब मैंने कहा कि क्वांटिटी को आप वेट मान लो, एनीवन थिंक अबाउट इट, व्हाट प्रॉब्लम डू यू थिंक यू वुड हैव टू फेस? ओके, तो प्रॉब्लम ये आती है बेटे, हमारे पास दो इयर्स हैं, एक है बेस ईयर और दूसरा है करंट ईयर.
तो करंट ईयर में आप अलग क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, बेस ईयर में अलग क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे। आपके पास दोनों ईयर्स का डेटा है क्वांटिटी कंज्यूम्ड का, बेस ईयर क्वांटिटी को वेट मानना चाहिए कि करंट ईयर क्वांटिटी को वेट मानना चाहिए? प्रॉब्लम और नॉट? सो इसी तरह से ये व्यू पॉइंट पे सारे स्टैटिस्टिशियन डिफर करते थे। दे अग्रीड के क्वांटिटी को वेट ले लो, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन कौन सी क्वांटिटी को लो इसमें डिस्प्यूट आ गया। कुछ ने कहा कि बेस ईयर क्वांटिटी को वेट मानना चाहिए, कुछ ने कहा करंट ईयर क्वांटिटी को, कुछ ने कहा उसकी एवरेज को वेट मानना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस ने डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेस पेयर्स फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो साथ साथ मेरे, लेस पेयर्स। ये एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है, क्योंकि ये उसने दिया था तो हमने इसका नाम ही डाल दिया लेस पेयर्स मेथड। अकॉर्डिंग टू हिम P01 इज इक्वल टू, ओके एनी वन ऑफ यू रिमेंबर्स द फॉर्मूला ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव? रेज योर हैंड एंड टेल मी, आई विल अनम्यूट यू। एनीवन एल्स? बेटे सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला, ओनली वन रेज्ड हैंड। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला? यस मैम। मैम इन इट द फॉर्मूला इज P01 इक्वल टू सिग्मा P1 ओवर सिग्मा P0 into 100. Okay, fine. Right, Harshika, right. Anyone else? Anyone else? Bete, formula is very, very simple. Summation P1 over summation P0 into 100. Ye kiska formula hai? Simple aggregative ka. हमें किसका चाहिए? वेटेड एग्रीगेटिव का। वेट हम किसको मान रहे हैं? क्वांटिटी को। कौन सी क्वांटिटी को? बेस ईयर में जो हमने क्वांटिटी कंज्यूम की। तो क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, प्राइस को पी से डिनोट किया तो क्वांटिटी को क्यू से डिनोट कर दो। बेस ईयर क्वांटिटी को किस में डिनोट करेंगे? क्यू जीरो से। तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में हमने वेट्स असाइन कर देने हैं, वो वेटेड एग्रीगेटिव बन जाएगा। वेट किसको माना? बेस ईयर क्वांटिटी को। तो बेस ईयर क्वांटिटी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? P01 इक्वल्स समेशन P1Q0 ओवर समेशन P0Q0 इनटू 100। क्लियर आया बेटे समझ में? फॉर्मूला नोट डाउन करो, समेशन P1Q0 ओवर समेशन P0Q0 इनटू 100। आपको ये लर्न ना करना पड़े और ना ही लर्न करते हुए या लिखते हुए आपको कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने इसको तरीका आपको यही बताया। आपने सबसे पहले क्या लिख लेना है? सिंपल एग्रीगेटिव समेशन P1 ओवर समेशन P0 इनटू 100 और फिर दोनों के साथ क्या लगा देना है ऊपर नीचे? क्यू जीरो। ठीक है, दिस मच इज क्लियर बेटे? टेक अ मिनट टू लर्न इट। वेयर P1 इज व्हाट? प्राइस ऑफ करंट ईयर। P0 इज व्हाट? प्राइस ऑफ बेस ईयर। Q0 इज क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ बेस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पास्चेज मेथड। अनदर स्टैटिस्टिशियन ही गेव दिस मेथड, सो वी कॉल्ड इट पास्चेज मेथड। नाउ पास्चे कंसिडर्ड वेट टू बी करंट ईयर क्वांटिटी, सॉरी हाँ करंट ईयर क्वांटिटी को उसने बेस एज्यूम किया।
तो हमने इसका फॉर्मूला कैसे लर्न करना है? 5-6 का सबसे पहले हमने सिंपल एग्रीगेटिव लिख देना है, समेशन P1 ओवर समेशन P0 इनटू 100, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, Q1 समेशन P1 ओवर Q1 डिवाइडेड इनटू Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 इनटू Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको बोलते कैसे है, इनटू नहीं बोलना, समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 इनटू 100। सो बेटे जब आप दोनों ही इकट्ठे लर्न करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, P0 Q1 PQ1, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने इसको ऐसे ही करना है, पहले सिंपल एग्रीगेटिव लिख देना है, फिर अगर लेस पेयर्स का आया तो दोनों तरफ Q0 आ जाएगा, अगर पास्ट टेंस का आया तो ऊपर नीचे Q1 आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बेटे ऐसा कुछ नहीं है, कौन सी कंडीशंस में हमें कौन सा यूज करना है, अभी जब चैप्टर में आपको आएगा तो उस केस में जो भी गिवन होगा आपको, लेस पेयर्स या पास्ट चेस, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, आप चाहे लेस पेयर्स से निकालो चाहे पास्ट चेस से निकालो। सो गोइंग बाय द एग्जामिनर्स इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों में से कोई चॉइस नहीं करनी, अगर आपको बेस्ट लेना है तो वो नेक्स्ट है जो हम करने जा रहे हैं अभी, दैट इज फिशर्स मेथड। फिशर भी एक स्टैटिस्टिशियन है, इसने कहा ना तो आप करंट ईयर क्वांटिटी को बेस लो सिर्फ, ना बेस ईयर को, आप इन दोनों की एवरेज ले लो, लेस पेयर्स की और पास्ट चेस की। अब दोनों की एवरेज कैसे आएगी, एवरेज बेटे एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, इसको इसको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यह आ गया सिंपल एवरेज। लेकिन फिशर ने कहा कि सिंपल अर्थमेटिक मीन से जो मेट्रिक मीन बेटर है, ये आपने नहीं किया हुआ, अर्थमेटिक मीन किया हुआ है ना आपने, हाउ डू वी कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, अगर ए और बी दो वैल्यूज का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, हाउ डू यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, ए और बी को ऐड कर देते हो और उसको 2 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। जो मैट्रिक मीन कैसे निकालते हो, जो मैट्रिक मीन में हम ए और बी को ऐड नहीं करते, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब प्लस किया था तब डिवाइड किया था, अब क्या करना है, अब उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, किसी से डिवाइड नहीं करना, जितनी वैल्यूज है उतनवा रूट ले लेना है, यहां पे 2 वैल्यूज थी तो स्क्वायर रूट ले लिया, 3 वैल्यूज आएंगी तो क्यूब रूट लेंगे, 4 वैल्यूज होंगी तो फोर्थ रूट लेंगे, वो हमें नहीं आती है निकालने, ठीक है। लेकिन यहां पर 2 वैल्यूज है, एक ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, तो इन दोनों का क्या आएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। तो फिशर ने कहा कि हम जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स निकालेंगे, वेटेड एग्रीगेटिव से इंडेक्स नंबर निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेस पेयर्स और पास्ट चेस की ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे। तो लेट अस सी उसका फॉर्मूला क्या बनता है, पहले लेस पेयर्स की वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं, समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0, ठीक है। इनटू 100 हम नहीं लिखेंगे, इनटू 100 दोनों का अंडर रूट 100 आ जाएगा तो हम उसको बाहर लिख देंगे, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। पास्ट चेस लेते हैं, दूसरी वैल्यू हमारी कौन सी है, पास्ट चेस की, विच इज समेशन P1 Q1
ओवर समेशन पी जीरो क्यू वन. अब हम इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट, ठीक है, और इसके बाहर लिख देंगे इंटू हंड्रेड, क्योंकि अगर इसके अंदर लिखते तो इंटू हंड्रेड अंडर दी रूट होता, तो हमने बेटर है क्या किया, हंड्रेड बाहर निकाल दिया, स्क्वेयर रूट लेके बाहर निकाल दिया. ठीक है, नोट डाउन दिस फॉर्मूला एंड टुडे यू विल बी लर्निंग दीज फॉर्मूला सो दैट वी कैन स्टार्ट विद इट्स न्यूमेरिकल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. नोट डाउन कर लीजिए, लेस्पियर्स, पास्ट इज फिशर्स. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितनी वैल्यूज है उतना रूट ले लेते हैं बेटे, राइट. जस्ट नोट इट डाउन.